टेलीविजन एक्टर जय भानुशाली टेलीविजन पर अपनी पारी खेलने के बाद अब बैक टू बैक दो फिल्मों में नजर आने वाले हैं, हेट स्टोरी 2 और देसी कट्टे। लेकिन खबरों की माने तो जय भानुशाली देसी कट्टे से अपनी एक्टिंग एबिलिटी से ज्यादा किसी और वजह से जाने जाएंगे। फिल्म देसी कट्टे की रिलीज से पहले फिल्म से जुड़ी एक छोटी सी कॉन्ट्रोवर्सी सामने आई है। फिल्म में सलमान खान के बेहद ही करीबी माने जाने वाले संतोष शुक्ला भी अहम भूमिका में हैं और ये कंट्रोवर्सी भी इन दोनों के इर्द गिर्द ही है। जूम को एक्सक्लूसिवली मालूम चला है कि इन दोनों एक्टर्स के बीच चल रही है कोल्ड वॉर और दोनों के ईगो क्लैशेस की भी खबरें आ रही हैं। बता दें, देसी कट्टे फिल्म में एक ऐसा सीन है जहां संतोष को जय भानुशाली को थप्पड़ मारना है और जब ये बात फिल्म के डायरेक्टर आनंद ने जय को बताई तो उन्हें इस बात से एतराज हुआ। जय ने आनंद से इस सीन को कट करने के लिए कहा एंड इवेंचुअली द डायरेक्टर हैड नो अदर ऑप्शन बट टू बज ऑन जय'स डिमांड। जूम को फिल्म देसी कट्टे के डायरेक्टर आनंद ने भी यही बताया कि फिल्म में थप्पड़ का सीन है बट दैट सीन इज फिल्म्ड व्हेन बोथ द एक्टर्स आर इन देयर चाइल्डहुड। वेल, फिल्म का हाल ही में म्यूजिक लॉन्च किया गया और फिल्म की रिलीज में फिलहाल कुछ वक्त तो जरूर है, लेकिन ऐसी खबरें अक्सर फिल्म का भला ही कर देती हैं, जो होती तो नेगेटिव है लेकिन फिल्म को अच्छी खासी पब्लिसिटी दे जाती हैं। देखना तो ये होगा कि देसी कट्टे एंड टीम को इस खबर से कितना फायदा मिल पाएगा। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई।